हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास में आज हम एक नया टॉपिक थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के कार्यों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, कानून निर्माण, दूसरा कानूनों को क्रियान्वित करना और तीसरा न्याय करना। और इन तीनों कार्यों को करने के लिए सरकार के पास में तीन ऑर्गन्स होते हैं, विधायिका जो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानूनों का क्रियान्वयन करती है, न्यायपालिका जो न्याय करने का कार्य करती है। अब इन सरकार के जो तीनों अंग हैं इनके पारस्परिक संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, यह समस्या राजनीति शास्त्र में हमेशा से विवादग्रस्त रही है और समय समय पर अनेक विद्वानों के द्वारा, अनेक सिद्धांतों के द्वारा इसको प्रतिपादित या इसको व्याख्यात करने का प्रयास किया गया है। और उन सब में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वह बहुत सबसे अधिक प्रमुख है। एक प्रमुख विद्वान हरमन फाइंडर ने तो यहाँ तक लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रथम बार में पूर्ण रूप में केवल मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो हम देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू से पूर्व भी अनेक विद्वानों के द्वारा इसके बारे में अपने विचार प्रकट किए गए हैं। उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। इस सरल शब्दों में हम ये देखें तो ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से या सभी शक्तियों के एक हो जाने से व्यक्ति या संस्था भ्रष्ट हो सकते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का ये मानना रहा है कि व्यवस्थापिका का कार्य कानून निर्माण का होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों का क्रियान्वयन करे और शासन चलाए और न्यायपालिका उनके संबंध में निर्णय करें। तो सरल भाषा में हम देखें तो कह सकते हैं कि सरकार में तीन प्रकार की पृथक पृथक शक्तियां हैं और मनुष्य नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि इन तीनों शक्तियों का केंद्रीकरण इनमें नहीं होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकार की इन तीनों शक्तियों के संस्थाओं के कार्मिक भी पृथक पृथक अलग अलग व्यक्ति हों और ये तीनों अंग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित, स्वतंत्र और सर्वोच्च रहे। अब प्रश्न ये आता है कि शक्ति पृथक के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है। दूसरा, शक्तियों की निरंकुशता और उसको दुरुपयोग को रोकने के लिए सिद्धांत की आवश्यकता है। शासन कार्य सुगम और सुविधाजनक हो इसके लिए भी सिद्धांत की आवश्यकता है। और शासन कार्य बहुत एक विशिष्ट कार्य होता है, वो कार्य स्पेशलाइजेशन से हो, परफेक्शन से हो, इसके लिए भी सिद्धांत की आवश्यकता है। और एक बात और कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से ही शासन के जो भी अंग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो भी सुनिश्चित होती है। और अंतिम बात कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा संपादित होने चाहिए, तीनों अंगों के कार्य क्षेत्र इस प्रकार सीमित होने चाहिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट रहें, उनकी स्वतंत्रता बनी रहे और उनकी सुप्रीमेसी भी बनी रहे, तीनों एक दूसरे के कार्यों को, उनके पावर्स को ओवरलैप ना करें, तीनों के अंदर आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन भी हो लेकिन अपने अपने स्थान पे अपने अपने कार्यों को करते हुए ये अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें। और जब ये लोग स्वतंत्र और सर्वोच्च बने रहेंगे तो नागरिकों की स्वतंत्रता भी सुरक्षित बनी रहेगी। अब हम सिद्धांत के विकास पर चर्चा करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता जो हैं वो मॉन्टेस्क्यू कहे जाते हैं, लेकिन मॉन्टेस्क्यू से पहले भी अगर हम 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू पर चर्चा कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि मॉन्टेस्क्यू से पहले भी बहुत दार्शनिक थे जिन्होंने अपने इस बारे में विचार प्रकट किए हैं। और सबसे
प्रारंभ में हम देखें तो यूनानी दार्शनिक जो अरस्तु थे उन्होंने भी कहा था कि सरकार के तीन प्रकार के कार्य होते हैं, विचार विमर्शात्मक कार्य होते हैं, दूसरे प्रशासकीय कार्य होते हैं और तीसरे उसके न्यायिक कार्य होते हैं। अब हम जब हम रोमन दार्शनिक या मध्यकाल के अंदर रोमन दार्शनिक सिसरो और पॉलीबियस के अनुसार देखते हैं तो उन्होंने भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में बताया था। और 16वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी विद्वान थे जेन बोंदा, उसने भी इस बात पर जोर दिया था कि शासन के कार्यकारी और न्यायकारी दोनों अंग पृथक पृथक होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू से पूर्व भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर विचार प्रकट किए जाते रहे हैं, लेकिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जो अधिकृत व्याख्या जो की है वो फ्रांसिस विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने ही की है। उनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उनकी किताब को नोट करिए। उनकी पुस्तक का नाम है जिसपे दो नंबर का आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, और अपने इस सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने इसी पुस्तक में की है। क्योंकि मॉन्टेस्क्यू का जो समय है या जो उस समय का जो कालखंड है, उस समय फ्रांस में राजाओं का निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन है, जहाँ भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जबकि मॉन्टेस्क्यू स्वयं व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है, प्रबल समर्थक है। इसी समय 1726 ईस्वी में के आसपास उसने इंग्लैंड की यात्रा पे वो गए और वहाँ पे उन्होंने वहाँ की जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्वतंत्रता को लेके विशेष लोगों में आग्रह है और वह इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया और उन्होंने इस बात का पता लगाया कि इंग्लैंड में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायिक कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा संपादित होते हैं, जबकि उसने देखा कि उसके देश फ्रांस में तो ये सभी कार्य, तीनों कार्य एक ही निरंकुश सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए ही शक्तियों का केंद्रीकरण के कारण फ्रांस में जनता की स्वतंत्रता खतरे में बनी हुई है, जबकि इंग्लैंड में शक्तियों के पृथक्करण के कारण ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है और वो उस स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत के नागरिक वहाँ पे खुश है। तो मॉन्टेस्क्यू अब इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और नागरिकों के अधिकारों की जो रक्षा है, उसके लिए आवश्यक है कि शासन की जो समस्त शक्तियाँ हैं वो एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर विभिन्न व्यक्तियों में विभक्त की जानी चाहिए। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए स्वयं मॉन्टेस्क्यू ने अपने पुस्तक में लिखा है कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्ति अगर एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएंगी तो स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है, और न्याय संबंधी शक्तियों को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अगर पृथक नहीं किया जाएगा तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो पाएगी, और यदि एक ही व्यक्ति या संस्था इन तीनों कामों को करने लगेगी तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अपने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में मॉन्टेस्क्यू ये कह रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि जो कानून निर्माण करता है और जो कानून को क्रियान्वित करता है, ये लोग अगर मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण करने लगे और कार्यपालिका का क्रियान्वयन करने लगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी प्रकार व्यवस्थापिका जो कानून निर्माण करती है और न्यायपालिका, ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण होगा और मनमाने ढंग से ही उनकी व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाएगी, ये भी सुरक्षित अच्छी व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों मिल जाएंगे तो भी स्वेच्छाचारिता निरंकुशता बढ़ेगी, और अगर यदि तीनों ही शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों मिल जाएंगी तो इन तीनों के मिश्रण से नागरिकों की संपूर्ण स्वाधीनता का लोप हो जाएगा और शासन व्यवस्था निरंकुश और स्वेच्छाचारी बन जाएगी। इसी समय इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध न्यायशास्त्री ब्लैकस्टोन हुए थे, उन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक इंग्लैंड के
कानूनों की टीकाएं जो कि 1765 में लिखी गई, उसमें लिखा है कि जहां भी कानून बनाने वाले और उन्हें लागू करने वाले के अधिकार यदि एक ही व्यक्ति या एक ही समूह में होंगे तो वह किसी भी प्रकार से सार्वजनिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो सकती है, क्योंकि शासक अत्याचार पूर्ण तरीके से कानूनों को बनाएगा और उतनी क्रूरता से उनको लागू करेगा, और यदि इसे न्याय विभाग भी मिल जाएगा तो संपूर्ण शासन व्यवस्था अत्याचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था में परिणत हो जाएगी। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम शक्ति प्रतर्क सिद्धांत के बारे में और आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।